शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मतभेदों की खबरें इन दिनों आम हैं। शिवपाल अखिलेश से रूठे तो ऐसा रूठे कि अपना अलग मंच बना डाला, नाम रखा समाजवादी सेकुलर मोर्चा, बाकायदा अपने प्रवक्ताओं की फौज को लॉन्च कर दिया, अपनी गाड़ी से सपा का झंडा उतार दिया और तो और ऐलानिया लहजे में कह दिया कि नेताजी मुलायम सिंह हमारे साथ हैं। वो सेकुलर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, मैनपुरी से चुनाव भी लड़ेंगे, यानी सब कुछ तय हो गया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव की सियासत को समझ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। साइकिल यात्रा का समापन दिल्ली में था, मंच पर अखिलेश थे, राम गोपाल थे, अचानक एंट्री होती है मुलायम सिंह यादव की और सारी अटकलों पर विराम लग जाता है। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने मंच से संबोधित भी किया और कहा कि युवा संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले वक्त में 2019 के चुनाव में इन युवाओं की मेहनत रंग लाएगी। शिवपाल ये दावा करते रहे कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद उनके साथ है और नेताजी अखिलेश का साथ देने के लिए दिल्ली में अखिलेश के मंच पर पहुंच गए। नेताजी के आने से अखिलेश की ऊर्जा भी कई गुना बढ़ गई। अखिलेश ने मंच से विरोधियों पर निशाना भी साधा और सपा के कार्यकर्ताओं से मिशन 2019 के लिए जुट जाने की भी बात कही। हम लोग निराश होने वाले नहीं है, 2019 में दुगनी ऊर्जा के साथ हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर नेताजी का आशीर्वाद मिल गया हो तो इससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। मुलायम सिंह किसके साथ हैं ये आज की तस्वीरों ने साफ कर दिया। अब आने वाले वक्त में शिवपाल सिंह यादव क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज मुलायम का अखिलेश के साथ खड़े होना शिवपाल के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबर उन्नाव से है। अगली भाजपा सांसद साक्षी महाराज का राम मंदिर को लेकर एक